विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान इस बार पंजाब के समाजसेवी संस्थाओं द्वारा 85 लंगर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु लगाए जाएंगे, जिसमें मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन भी परोसे जाएंगे। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला के दौरान इस बार पंजाब के समाजसेवी संस्थाओं द्वारा 85 लंगर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु लगाए जाएंगे, जिसमें मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन परोसे जाएंगे। आनंदपुर साहिब कोलावाला टोवा जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां से लेकर श्री नैना देवी मंदिर तक ये लंगर लगेंगे। पंजाब की इन समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा कुछ मांगे लंगरों संचालन लेकर जिलाधीश राजेश्वर गोयल के समक्ष उठाई गई, जिन्हें जिलाधीश ने उनकी मांगों को पूरा किया। लंगर कमेटी के प्रधान डॉक्टर सतपाल अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन श्रद्धालुओं की सुख सुविधा हेतु पंजाब के समाज सेवी संस्थाएं यहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जहां पर लंगर की व्यवस्था करती हैं, वहीं पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु उनके वॉलंटियर यहां पर ड्यूटी भी देते हैं और ये ड्यूटी पुलिस के निर्देशों के अनुसार लगाई जाती है। डॉक्टर सतपाल का कहना है कि पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी वे अपनी मांगों को लेकर के मिले थे और रणधीर शर्मा ने उनकी मांगों को पूरी विनम्रता से सुना और सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन उन्होंने दिया था, जिसे जिलाधीश बिलासपुर ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को मेले के दौरान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट भोजन परोसना है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुगमता से जगह जगह भोजन प्राप्त हो सके। श्रद्धालुओं का जहाँ पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन परोसा जाएगा, वहीं पर सुबह शाम चाय पान की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये सभी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग 8 दिन तक माता के दरबार में अपनी सेवाएं देते हैं और अपना पूरा कामकाज छोड़कर यहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वाह वे किसी भी सूरत में करते हैं और आने वाले समय में भी ये समाज सेवी संस्थाएं चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो समाज सेवा जारी रखेंगे। फैसले किए गए जिदे विच पानी है, बिजली है, लंगर प्रति ते सेवा दलों वास्ते, जिदे विच पहला एक फैसला किया गया सी प्रशासन वालों कि हर लंगर के उत्ते 5,000 रुपए का सफाई टैक्स लगाया जाऊगा, 15,000 का ड्राफ्ट एज सिक्योरिटी के रूप में लिता जाऊगा। वो अज ये फैसला किया दिता गया कि 5,000 जरा सफाई टैक्स लगाया गया सी लंगर के उत्ते वो तुरंत माफ कर दिता गया, तो जरा 15,000 का ड्राफ्ट मंगया गया सी उदे बदले उही पुराने पोजिशन के हिसाब न जो 10,000 का चैक असी एज सिक्योरिटी जमा कराते उ 10,000 का चैक पास किया गया, तो होर सारिया सुविधा जिन्हें असियाँ लंगर प्रति प्रशासन ने मान लीतिया ने, जो भी शर्त लगाई गई सी वो सारिया मान लीतिया गई ने। रही गल ड्यूटी सेवा वास्ते, ड्यूटी सेवा साढ़े 3 संस्थावों वालों लगदिया रही ने, जिड़िया कि इस बार भी 3 संस्थावों वालों ड्यूटियां लगाई जानियाँ। श्री सनातन धर्म महाविद्यालय पंजाब हैड ऑफिस चंडीगढ़ वालों, श्री नैना देवी सेवा समिति पंजाब हैड ऑफिस अमलोह वालों, श्री दुर्गा सेवा दल पंजाब हैड ऑफिस धूरी वालों, साढ़े 200 वॉलंटियर्स इतने ड्यूटी के उत्ते आएंगे, तो 600 कुल टोटल वॉलंटियर होंगे जेडे कि 24 आवर्स साढ़िया ड्यूटियां बरकरार रहनगियां। 1 तरीक तो लैके 7-8 तरीक तक साढ़िया ड्यूटियां चलाई जाएंगी। असी प्रशासन का, खासकर DC महोदया जी का, SDM महोदया जी का, तो होर सारे अधिकारीगण का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लंगर कमेटी पंजाब वालों तो सेवा दल। आज यहाँ पर जो अष्टमी सावन मेला आ रहा है माता नैना देवी में, उसमें कोला टोबे से 85 लंगर ऊपर तक लगेंगे और वहाँ पर तरह तरह के जो व्यंजन हैं वो श्रद्धालुओं के लिए हरेक लंगर बरताएगा। और DC साहब महोदया ने बड़ी अच्छी तरह से सभी लंगर वालों की जो डिमांड्स थी, जो उनकी डिमांड थी वो पूरी की और हम लंगर वालों की तरफ से और सेवा दल वालों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जो श्री नैना देवी धर्मस्थल पर प्रशासन की मीटिंग में हम लंगर वालों को बैस वॉलंटियर ड्यूटी वालों को जो निमंत्रित किया गया था, उसमें जो भी हमारी ऊपर कुछ शर्तें वगैरह लगाई गई थी वो प्रशासन के द्वारा सभी को विड्रा कर दिया गया है और बहुत ही सद्भाव भाव में उन्होंने हमारे को अनुमति दी है
कि हम अपने लंगरों को सुचारू रूप से चला सकें और सुचारू रूप से जो हमारे जो स्वयंसेवक दल है वो अपने मिलिट्री को जो ड्यूटी है वो निभा सके। सो हम प्रशासन का और लंगर कमेटी की तरफ से और सेवा वॉलंटियरों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को बहुत सहयोग देकर हमारे जो सभी मांगे हैं वो उसको जो शर्तें रखी थी उसको पूरा कर लिया है। धन्यवाद। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंदिर न्यासी आशुतोष शर्मा और रक्षपाल महासचिव मुरारी लाल मित्तल प्रधान दुर्गा सेवा दल रमेश सिंगला सचिव प्रकट सिंह के कौशल महासचिव सेवा समिति शिव कुमार कुलदीप वर्मा भी मौजूद रहे।